संघर्ष करके कहां तक अनुभव उन्होंने पैदा किया। हनुमान जी ने किया सब कुछ अपनी मर्जी से, किया सब कुछ अपनी मर्जी से, लेकिन शील देखिए, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीज हूं मोही। क्या करूं मैं बताइए। हनुमान जी हमें दिखा रहे हैं, अगर हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और आप इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, बहुत पैसा कमाने वाले भी बन जाओ और आपको पता है कि मैं ये बात अपने घर के बुजुर्गों से पूछूंगा तो समय के प्रभाव से वो इस काम को करने को मुझे मना कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी अपना शील भंग ना हो, उनकी मर्यादा बनाने के लिए, उनकी इज्जत बनाने के लिए एक बार उनसे निवेदन कर लीजिए। हमें क्या करना चाहिए बताइए ना, पूछ पूछ करके चलिए बड़ों को। रावण ने, रावण के पास भी एक बूढ़ा है, माल्यवंत अति जरट निसाचर, माल्यवंत अति जरट निसाचर, माल रावण का नाना, माल्यवंत अति जरट निसाचर, माल्यवंत अति जरट, अति जरट अति बूढ़ा, माल्यवंत जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, एक है इधर जाम मंत्री अति बूढ़ा। रावण ने तो एक दिन कहा, माल्यवंत तेरी तो बूढ़ भयऊ, हे बूढ़ा हो गया, बूढ़ भयऊ न तो मरते उत्तोई, चाटा मार देता तेरे में। हम लोग भी आज दुनिया में ऐसा कर रहे हैं। मैंने बहुत से घर में दादियां पिटती हुई देखी हैं, मैंने बहुत से घरों में बूढ़े पिटते हुए देखे, चाटे खाते। रावण के, रावण ने मारा नहीं, परम विद्वान था रावण, लेकिन कह तो दिया, कहना और मारना एक समान। बूढ़ भयो मरते हो तो मार डालता था, लेकिन हनुमान जी के पास एक बूढ़ा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी मुझे क्या करना चाहिए बताइए। जामवंत जी ने कहा, सीतहिं देखी कहो सुदियाई, देख करके आ जाना। हनुमान जी देख कर आए, लंका उजाड़ दी, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली, आग लगा दी लंका में, रावण का हृदय जला मारा मानो, लेकिन पूछ तो लिया ना, और आकर के प्यार से कह दिया, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जो हुआ भगवान की कृपा से हुआ, मैंने क्या किया। बच्चे भी ऐसा ही करना चाहिए, इजाजत लो बड़ों की, आपको लगता है आज के समय के हिसाब से ही जरूरी है, करके आ जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करके कह दो, अरे आपकी कृपा से ही हुआ है, वो खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। क्यों बाबा, हनुमान जी का शील देखिए आप, जामवंत के वचन।